चीन में कोरोना से हाहाकार है, भारत में कोरोना को लेकर हाई लेवल की बैठकों का दौर जारी है। लिहाजा कोरोना के इस चौथी लहर से निपटने के लिए भारत सरकार ने पूरे इंतजाम चुस्त दुरुस्त किए हैं। तो वहीं विदेश से आने वाले लोगों का बाकायदा एयरपोर्ट पर जांच होगी, उसके बाद ही उनको अपने गंतव्य तक जाने दिया जाएगा। तो वहीं कोरोना को लेकर रामनगरी अयोध्या भी हाई अलर्ट पर है। नौ वर्ष के प्रारंभ पर रामनगरी अयोध्या में करीब 2 लाख श्रद्धालु आने की उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना को लेकर जिला प्रशासन के अलावा मंदिर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। हनुमानगढ़ी राम जन्मभूमि पर दर्शन पूजन करने वाले श्रद्धालुओं को लेकर अब तैयारियां तेज कर दी गई है। जिला प्रशासन व अयोध्या के वरिष्ठ साधु संत श्रद्धालुओं को मास्क लगाकर मंदिरों में प्रवेश करने की अपील कर रहे हैं। हालांकि राम जन्मभूमि परिसर में आने वाले श्रद्धालुओं को लेकर ट्रस्ट ने पहले ही कोरोना को ध्यान में रखते हुए प्रसाद वितरण में कोई बदलाव नहीं किए जाने पर निर्णय ले चुका है। ट्रस्ट के मुताबिक पिछले 1 जनवरी को 10 घंटों के अंदर 1 लाख श्रद्धालुओं ने रामलला का दर्शन पूजन किया था। पिछले 2 वर्षों में कोरोना के दौरान जो सावधानियां बरती जा रही थी, उन्हीं सावधानियों को एक बार फिर बरतने की जरूरत है। जानिए क्या कुछ कहा हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास के अलावा ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और जिला अधिकारी अयोध्या नीतीश कुमार ने। और मैं अपील करता हूं, मैं अपने ही यहाँ अयोध्या हनुमानगढ़ी अपने जिला प्रशासन से कि आंग्ल नववर्ष आ रहा है। पिछले बार आप लोगों ने देखा होगा आंग्ल नववर्ष पर 1 लाख से ऊपर भीड़ हुए थे। प्रशासन के लोग हर व्यक्ति को एक दिशा निर्देश दें, हर व्यक्ति मास्क का प्रयोग करें, हर व्यक्ति सोशल डिस्टेंस का पालन करें। नाते मैं अपील करता हूं सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी से, मैं एक सेवक, मैं एक दास, आम जनमानस से अपील करता हूं, आप लोग इसको मजाक में ना लें, इसको सीरियस लें और सीरियस तौर पर आप लोग मास्क लगाएं, सैनिटाइज का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, कोशिश करें भीड़ भाड़ में ना जाएं, क्योंकि बहुत तेजी से ये फैल रहा है। और जब हमको ये विचार करना है, पिछले 2 साल का अनुभव, 1 जनवरी को 1 लाख लोगों ने दर्शन किए, अब ये 10 घंटे में 1 लाख लोग दर्शन कैसे कर सकते हैं? 1 मिनट में कितने लोग गए? मंदिर की ओर से भगवान का प्रसाद मिलेगा, आज भी मिलता है। कोरोना के गंभीर काल के अंदर क्या क्या सावधानी बरतनी, हाथ से नहीं छूना, लोहे के करछुल से नहीं छूना, उसमें से इलायची दाना आया, पैकिंग करके आया, पैकिंग दे रहे। कोविड को लेकर जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसमें है कि विदेश जो भ्रमण करके आ रहे हैं उस पर हम लोग को सतर्क दृष्टिगत रखना है हम लोग को, तो उसमें हम लोग देख रहे हैं उसको और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, और जो रिपोर्ट हम लोग के पास आती है उसको हम लोग रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए उसका ट्रेसिंग करेंगे, उसका टेस्टिंग करेंगे, और उसके बाद अगर पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उसके कॉन्टैक्ट में जितने लोग आए हैं उसको हम लोग ट्रेस करके उसको आइसोलेट करेंगे। और अगर जो भी इस तरीके की स्थितियाँ उभरती है, अगर केसेस हम आ रहे हैं, डिटेक्ट होते हैं, तो उसको तत्काल रूप से हम लोग आइसोलेट करेंगे, और हमारे पास बेड्स की संख्या काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, उसको हम शुरुआती चरण में ही समाप्त करने का प्रयास करेंगे। मेन हाइजीन की व्यवस्था है कि हाइजीन पे लोग विशेष ध्यान दें, और उसके दृष्टिगत तो लोग जागरूक हैं और कोविड के लक्षण भी जानते हैं, और कोविड के लक्षण आने पर हम लोग पूरे तरीके से हमारा सिस्टम तैयार है, उसके अनुसार आगे कार्रवाई करेंगे।